जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ सभी मेरे मित्रगण अच्छे होंगे। दरअसल दोस्तों, सिंगापुर में आयोजित संग्रीला डायलॉग्स में चाइना की जो सेना के जो थिंक टैंक के मुखिया है, बड़ा टंग ट्विस्टर नाम है झाओ झिया झांग, इनका कहना है कि भारत की जो तैयारियां हैं, भारतीय सेना की जो तैयारियां हैं, वो चाइनीज तैयारियों के आगे काफी ज्यादा फीकी है। और इन्होंने ऐसा बोलकर अपने ही देश में एक डिबेट का विषय शुरू कर दिया। दरअसल दोस्तों, उनका कहना था कि भारतीय हथियार चाइनीज हथियारों से काफी ज्यादा पिछड़े हुए हैं टेक्नोलॉजी के मामले में, और ना ही कभी भारतीय हथियार चाइनीज हथियारों का सामना कर पाएंगे। कहीं ना कहीं उनकी बात सही भी है, क्योंकि चाइनीज हथियार चलते कम है और रिपेयर ज्यादा होते हैं। ऐसे में भारतीय हथियारों का चाइनीज हथियारों का मुकाबला करने के लिए चाइनीज हथियारों का सर्विस में मौजूद रहना भी तो जरूरी है। लेकिन दोस्तों, सबसे मजे की बात यहाँ पे ये है, जिस थिंक टैंक ने चाइना के भारतीय हथियारों को कमजोर बताया, इसी थिंक टैंक ने कुछ महीनों पहले भारत के मजबूत होते हथियार प्रणाली और भारत के अपने हथियारों को लेके आक्रामक रवैये को लेके काफी ज्यादा चिंताएं व्यक्त की थी। और केवल इतना ही नहीं दोस्तों, चाइनीज थिंक टैंकों का खौफ तो इस बात से पता चलता है कि उन्होंने एक भारतीय राफेल फाइटर जेट के बदले अपने 3 चाइनीज फाइटर जेटों को तैनात करने की बात कही थी। और चाइनीज थिंक टैंकों के ऐसा कहने के पीछे जो मेन रीजन था, वो ये था कि चाइना ने पिछले दिनों कंप्यूटराइज वॉर का आयोजन किया था, जिसमें वो भारतीय राफेल फाइटर जेट से बुरी तरीके से हार गया था। इससे इस बात का साफ पता चलता है कि अपने खुद के द्वारा आयोजित किए गए नकली युद्ध में भी चाइना भारतीय राफेल से काफी बुरी तरीके से हारा और चाइनीज डिफेंस सिस्टम को भारतीय राफेल ने चकमा दिया। और इस बात का खुलासा खुद चाइनीज न्यूज एजेंसी CSIS ने किया था। दरअसल दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि फ्रांस ने भी इसी तरीके का एक सिमुलेशन वॉर का आयोजन किया था। ये एक तरीके से कंप्यूटराइज नकली युद्ध कहा जा सकता है। और इस सिमुलेशन युद्ध के दौरान दरअसल दोस्तों, चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टमों से राफेल फाइटर जेट को फ्रांस ने आधे घंटे तक अपने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम की मदद से गायब कर दिया। लेकिन दोस्तों, अपनी इसी एक्सरसाइज को रियल लाइफ में बदलते हुए भारतीय पायलटों ने फ्रांस के राफेल फाइटर जेट को ट्रेनिंग के दौरान सच में फ्रांस के रडार सिस्टम से गायब करके दिखा दिया, जिसे देख फ्रांस भी भौचक्का रह गया था। इस बात में कोई दो राय नहीं है दोस्तों कि चाइनीज मिलिट्री इक्विपमेंट भारत से संख्या में काफी ज्यादा है, लेकिन दोस्तों, उनकी गुणवत्ता का कंपैरिजन भारतीय हथियारों से करना भारतीय टेक्नोलॉजी और भारतीय हथियारों की बेइज्जती कहलाएगी। बाकी इस पूरे घटनाक्रम में आपकी क्या राय कमेंट्स का जरूर बताएं।